आज आपको एक अलग सा, किसी भी लेटर को जब आप प्रोनाउंस करते हो, किसी भी शब्द को जब आप बोलते हो, तो आप में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते होंगे जिसका सही उच्चारण नहीं होता होगा। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर, हजारों बच्चों के डिमांड पर आज मैं वह चीज दे रहा हूं कि जैसे बी साइलेंट, बी चुप कब रहता है, यानी साइलेंट का मतलब होता है किसी शब्द को बोलने में आप कब उसे नहीं बोलते हो। जैसे बी ओ एम बी लिखा है, बॉम्ब, लिखते बॉम्ब है लेकिन पढ़ते बम है, कब भाई? तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एम के बाद, एम देखिए, एम एम के बाद और टी से पहले, टी से पहले अगर बी आता हो तो वह बी साइलेंट रहता है। फिर से क्या कहा, ध्यान सुनिए, एम के बाद, एम के बाद और टी से पहले, टी से पहले बी प्रायः साइलेंट रहता है, यानी उस बी का उच्चारण नहीं के बराबर होता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बी ओ एम बी, बॉम्ब, लेकिन पढ़ेंगे बॉम्ब, पढ़ेंगे बॉम्ब, यानी बी यहाँ पे चुप हो गया, बॉम्ब नहीं बोला। उस तरह से सी ओ एम बी, कॉम्ब, बोलेंगे कॉम, कॉम मतलब कंघा। डी यू एम बी, डम्ब, बोलेंगे डम, बी रहेगा चुप, डम मतलब गूंगा। टी एच यू एम बी, थम्ब, बोलेंगे थम, थम मतलब अंगूठा। तो बी साइलेंटता, ये पता क्या है, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो 10 स्टेट है ना, 10 राज्य है, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, तो ऐसे बहुत सारे जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं जिनमें ये छोटी छोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। तो मैं आपके लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा एडवाइस दे रहा हूँ। वो एडवाइस ये है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं चाहता हूँ क्रांति फैलाना। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो? अगर चाहते हो कि मेरे सपोर्ट करें, पूरे दोस्तों को सपोर्ट करें, तो पता है इस वीडियोस को ना हर बच्चों को साथ शेयर करके पढ़िए। जब शेयर करके पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा और साथ साथ सीखने को मौका मिलेगा। यानी आप बोलिए, साथ साथ 10 दोस्तों से बुलवाइए, तब मज़ा आएगा। और एक सलाह और मान लो, सलाह क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। रख तू राह पर दो चार ही कदम, सुन रहे हो मेरी बात, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, तबीयत से पढ़ो, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत रो, तेरी तकदीर किसी भी वक्त बदल जाएगी। पता है क्या, आपको सिखाने के लिए ना हमने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप बनाया है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे ना, प्ले स्टोर है ना मोबाइल में, वहाँ डालिए क्रांतिकारी, नाम ही है ऐप का, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये ऐप इतना बढ़िया है कि हर बच्चे को, बड़े को, एग्जाम वाले को ये ऐप अंग्रेजी सिखा देगा। पढ़ो फिलहाल इसके, क्या कहा, थम्ब, इसको थम्ब नहीं थम्ब, अंगूठा। टॉम, टॉम्ब नहीं टॉम, यानी बी क्या रहता है, साइ, देखो लिख दिया हूं मैं, ये सब लिख दिया गया। टॉम मतलब समाधि, लैम मतलब मेमना, डेट मतलब रीन, डाउट मतलब संदेह। इस तरह से आप पढ़ोगे, मजा आएगा। आप देखते हैं कि डी साइलेंट कब रहता है, यानी डी जो है, डी डी ए बी सी डी, ये साइलेंट कब होता है। तो लिखा, यदि जी से पूर्व डी हो, जी से पहले डी हो, देखो गौर से, डी से पहले जी हो, दे रखा हो, तो डी प्रायः साइलेंट रहता है। यानी कहा गया कि जी कब रहता है साइलेंट, तो जी से पहले अगर डी दे रखा हो, एक पढ़ना है, देखो अब ई डी जी है, अब एड जे नहीं पढ़ेंगे, ई डी जी एड जे, एड जे एड जे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एज, एज, यानी डी को साइलेंट कर दिया, एज, एज मतलब किनारा। ये देखिए हेडजे नहीं हैज, हैज मतलब झाड़ी। ये देखिए लेजर नहीं लेजर, लेजर मतलब बही खाता। देखिए ग्रेज ईर्ष्या, अब ग्रूडज नहीं बोलेंगे इसको, बजट नहीं बोलेंगे, बजट बोलेंगे, बजट तो सुना होगा आपने। ये देखिए ब्रीज पूल, इससे पता है क्या होगा, आपका स्पेलिंग भी इंप्रूव होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका स्पेलिंग प्रॉब्लम हो जाता है, यानी दे फेल्ड, हमेशा जो है उनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है। आई वांट कि आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम ना आए, सो दैट आई एम गिविंग यू सच टाइप ऑफ टेक्निक्स, ताकि आपको अंग्रेजी आसान लगना शुरू हो जाए। अगला देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, साइलेंट पी, यानी पी कहाँ कहाँ चुप रहता है। पी का उच्चारण नहीं करते किसी वर्ड के प्रोनंसिएशन में,
पी का उच्चारण नहीं होता। एन तथा एस से पहले आया पी साइलेंट रहता है, यानी एन और एस से पहले वाला पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। देखो क्या लिखा है, पी निमोनिया। अब पी निमोनिया नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना न्यूमोनिया, यानी पी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। पी क्या हो गया, साइलेंट हो गया, है ना। न्यूमोनिया, निमोनिया क्या है सर, बीमारी का नाम है। निमोनिया हो जाता है ठंडा सर्दी बुखार लग जाता है। आजकल जो कोरोना ओमिक्रॉन जो आया हो क्या है, निमोनिया, इट्स अ काइंड ऑफ निमोनिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर देखते हैं क्या दिया, न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स कहते हैं वायु शास्त्र को। ये पी नहीं बोलना है, आप देना है यहाँ देखिए शाम, या पी सलाम नहीं बोलना है। शाम का मतलब होता है भजन, शाम। ये देखिए क्या, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान, यहाँ पे साइलेंट रहना है। पी को ये देखना है, आपने सुनामी का नाम सुना होगा ना, तो वहाँ भी आपके लिए टी सुनामी, टी साइलेंट रहता है। आगे देखिए साइलेंट एम, एम कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, एम यानी एम जो लेटर है ये कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। एक बात सलाह मानिए, अगर एक बार पढ़ना चाहते हो ना, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, सब काम छोड़ करके एक बार अंग्रेजी पे फोकस कर दो, चाहे वो साइलेंट हो, चाहे वो वोकेबुलरी हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, एक बार 5-6 महीने का टाइम निकाल के सीख ही लो आप। हमेशा भटकते काम नहीं चलेगा, इधर देखा उधर देखा और YouTube पे जाकर कुछ और पढ़ते रहे, पढ़े कुछ नहीं, बस शॉर्ट देखते रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार बढ़िया से ना मेरे के अनुसार शुरू कर दो। आपके लिए मैं स्पेशल किताब भी ला रहा हूँ, आप Amazon Flipkart पे जाकर के आप धर्मेंद्र सर का किताब ले सकते हो। SSC की तैयारी करते हो तो आप Flipkart पे जाकर के SSC स्पेशल बुक मंगवा सकते हो। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की बुक्स आप मंगा सकते हो, कोई भी दिक्कत हो ना तो नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे बात करो, कॉल करो। और 5 तारीख बैच याद रखना, 5 जनवरी जबरदस्त क्लास होगा, मिस मत करना, ठीक है। अब देखो एम कहाँ होता साइलेंट, तो एम के पश्चात एन साइलेंट रहता है। अब एम के पश्चात एन, अब यहाँ देख क्या बोलना है, ऑटम। अब ऑटम यहाँ पे साइलेंट एम नहीं, साइलेंट एन लिखना पड़ेगा तब, क्योंकि एम के बाद एन क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इसे ऑटमन, AUTUMN ऑटमन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऑटम, ऑटम, ऑटमन नहीं, ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़। अब देखिए कंडेमन नहीं, कंडम निंदा करना, कंडम मतलब निंदा करना। कॉलमन नहीं, कॉलम, कॉलम मतलब पृष्ठ का भाग। हीमैन नहीं, हिम, हिम मतलब स्रोत। इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब देख रहा साइलेंट एल, एल कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, यानी कहाँ हम बोलें, कौन से वर्ड में एल को नहीं बोलना है। बचपन से याद करो, आपने WALK तो सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को मैं आज भी देखता हूँ इसको वालक पढ़ लेता है, वाल्क, वाल्क, वाल्क नहीं पढ़ना है, वाक, वाक, यानी एल क्या रहता है, साइलेंट रहता है। देखो लिखा ना MFK एवं D से पहले MFK, K से पहले L है ना, देखा कि दिखिए आपको, तो MKF MK, देखो MFK D से पहले L साइलेंट रहता है। जैसे अब इसको पालम नहीं पढ़ेंगे, पाम, पाम का मतलब हथेली, इसको बोलेंगे साम, भजन, हाफ का मतलब आधा, टॉक का मतलब बातें करना, उलट नहीं बोलेंगे, वुड बोलेंगे, उल्ट नहीं बोलेंगे, वुड मतलब विल का पास्ट फॉर्म होता है, कुलट नहीं बोलेंगे, कुट बोलेंगे, काम शांत, बाम मलहम, काफ बछड़ा, फॉक जनसमूह, फॉक जनसमूह, फॉल्क नहीं बोलेंगे, फॉक बोलेंगे, पकड़ पा रहे हो सब लोग। इस तरह से बेसिक पढ़ोगे ना अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी क्या हो सकता है आपके लिए बेहतर। अब जी, अब कह रहा है जी कहाँ रहता है साइलेंट, यानी जी साइलेंट कब रहता, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, बेसिक क्लास जबरदस्त, ये एक बार सीखना है साइलेंट का। इसके पहले हमने वीडियो दिया है जो कि क्या दिया हूं, के को के नहीं का पढ़ना है, यानी ABCD, बी को ब पढ़ना है, सी को सा पढ़ना है, वो भी दिया गया है, उसको भी देखो तब मजा आएगा। अब कह रहा जी सा, एन से पहले जी साइलेंट रहता है। अब देखो यहां पे GANT है, अब देखो स्पेलिंग क्या दिया है, तो क्या कर, एन से पहले, एन से पहले जी साइलेंट रहता है। अब देखिए यहां पे तो जी नेट, यहां पे एन छूट गया है, ये उल्टा हो गया है, ऐसा करना पड़ेगा जी
NAT, तो जी नेट, तो नेट का मतलब हो गया मच्छर। अब देखो क्या दिया है, जी से पहले एन, रिजाइन, तो क्या बोलेंगे रिजाइन, तो इसमें जी क्या रहेगा साइलेंट रहेगा, क्या रहेगा रिजाइन, तो यहाँ पे जी साइलेंट है। डिजाइन क्या है, जी साइलेंट है, देख पा रहे हैं साइन, यहाँ पे जी साइलेंट है। रेन शासन, तो रेन का मतलब शासन, ये ध्यान देना है आपको। अगला देख क्या दिखा हमने, साइलेंट एच, एच कहाँ कहाँ होता है साइलेंट, ठीक है, एट कहाँ कहाँ होता है साइलेंट, वो देखिए, तो एच, अब यहाँ पे लिखा एच ओ यू आर, अब हावर नहीं बोलेंगे, हावर क्या बोलेंगे आर, आर मतलब घंटा। ईयर, ईयर मतलब उत्तराधिकारी, हियर नहीं बोलेंगे ईयर, ईयर मतलब उत्तराधिकारी। ऑनर, हॉनर नहीं बोलेंगे, आज वो सब हॉनर बोल देते हैं, क्या बोलेंगे ऑनर, इज्जत सम्मान को ऑनर बोलते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है साइलेंट सी, सी कहाँ होता है साइलेंट, देख पा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे एस सी ई एन टी, एसेंट नहीं बोलते है ना, एसेंट, एस चुप हो गया, बोलेंगे सेंट है ना, सीन, तो अब यहाँ एस या सी साइन देख लो दोनों का साउंड वो सेम है, तो बोलेंगे सीन दृश्य, यानी कि डबल सी डबल एस का साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए साइंस, क्या बोल रहे हैं साइंस, तो स जैसा सी का नहीं हो रहा है, तो साइंस, देख पा रहे हैं सब लोग, इस तरह से आपको पढ़ना के साइलेंट। अब के का है, अब कोनो कनॉट कनाइट कनाइफ कनॉक, ऐसे गलत हो जाएगा, तो क्या करा एन से पहले के साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे के जितने वर्ड लिखे हैं ये सब का उच्चारण नहीं होता, आपको नो पढ़ना है, नॉट पढ़ना है, नाइट पढ़ना है, ये ध्यान देना है, नाइफ पढ़ना है, नॉक पढ़ना है, एक खास रखना है, क्योंकि यह साइलेंट जब होता है, जब इसको आप पढ़ते हो तो इसका खास ध्यान रखना है, तभी समझ में आपको बेहतर आएगा। यानी कि जो साउंड निकालना है वो सिर्फ इसका नो नॉट, इस नाइट नाइफ नॉक, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। बड़ा मजेदार, एक्चुअली क्या है ना, इंग्लिश सीखने के लिए छोटे छोटे चीज़ ही हेल्पलाइन है, जैसे आप घर में छोटा बच्चा है, भतीजा है, बड़ा है, दिल्ली आना चाहता है, सीखना चाहता है इंग्लिश, तो फाउंडेशन बैच कर सकता है, घर बैठे अपने मोबाइल पे स्पोकन पढ़ सकता है, फाउंडेशन पढ़ सकता है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, शर्त इतना है कि वो पढ़ता कैसे है, सीखता कैसे है, क्लियर। अब साइलेंट यू कहाँ रहता है, अब देखो यहाँ पे लिखा है जी यू ए आर डी, गुआर्ड, गुआर्ड नहीं पढ़ेंगे गार्ड, देख रहा हो यू चुप हो गया तो पढ़ दिया गार्ड, जी ए आर डी पढ़ेंगे गार्ड, लिखेंगे जी यू ए आर डी, इससे आपका स्पेलिंग सुधार होगा, यानी अपने स्पेलिंग को भी सुधार करें, स्पेलिंग सुधार करें और साइलेंट वर्ड भी सीखें, दोनों काम साथ होगा। गेस्ट, जी यू ई एस टी, देख रहे हो गेस, देखिए क्या है चर्न, अब यहाँ सी ए से चर्न पढ़ना है, चूरन नहीं पढ़ना है, देख पा रहे हैं डब्लू साइलेंट, डब्लू कहाँ होता है भाई, तो रैप आंसर, अब यहाँ पे रैप पढ़ेंगे बरैप नहीं, देख पा रहे हैं रॉन्ग सोर्ड, सोर्ड मतलब तलवार, रॉन्ग मतलब गलत, तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो आपका इंग्लिश क्या होगा स्ट्रांग होगा। अब देखते हैं जी एच कहाँ होता है सर, जी एच, ये तो आपको याद होगा थाई गाय याद है, देखो हाई एच आई जी एच, अब एच आई हाई, हम बोलते हैं हाय, वो तो हाय होता है, यहाँ हाई, हाई मतलब ऊंचा, देख रहे हो साई आहें भरना साई, देख पा रहे हो थाई जांग, थाई मतलब जांग, दो, अभी पूरा इतना लंबा टी एच ओ यू जी एच, हाँ जी था डाउट, डाउट नहीं है दो, दो मतलब यद्यपि, यद्यपि दो ऑल दो पढ़ाऊंगा आगे है ना, थ्रू, थ्रू मतलब से होकर, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, से होकर गुजरना थ्रू है ना, बॉट खरीदना, कॉट पकड़ा गाना, ब्रॉट लाया, लाफ हंसना, देख रहे हो तो कहीं भी जीएच का उच्चारण नहीं हो रहा, फाउट कहीं हो रहा है जीएच, सब में जीएच काट दो, देखो टाउट फाइट ब्राइट, यानी कहीं भी जीएच का उच्चारण नहीं हो रहा है, डिलाइट स्लाइट माइट नाइट थॉ, देख रहे हो तो इस तरह से कहीं भी आपको जीएच का उच्चारण नहीं हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। इस वर्ड को मेरे साथ दोहराना होगा, सीखना होगा, तब आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अब देखिए कह रहा है टी साइलेंट, देख रहे हो यदि किसी शब्द के अंत में टेन रखा हो तो टी एन प्रायः साइलेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है एच एस टी एन, अब पढ़े हास्टन, हास्टन ही पढ़े हैशन, हैशन का मतलब जल्दी करना, ऑफ टेन क्या पढ़ेंगे ऑफन, अक्सर या प्रायः ऑफन, ऑफनली बोलते हो ना, सी ऑफन कम्स टू मी है ना, इस तरह से लिशन, लिस्टन नहीं बोलते लिशन, ध्यान सुनना, सॉफ्टन नहीं सॉफन है ना, कोमल होना सॉफन है, बिल्कुल सॉफ्ट है ना, इस तरह से एन साइलेंट कब होता है भाई,
तो यदि किसी शब्द के अंत में एमएन दे रखा हो तो एन साइलेंट रहता है। पढ़ लिया हमने जस्ट अभी, तो कॉलम कॉलमन नहीं पढ़ेंगे, कॉलम है ना, कंडेम पढ़ेंगे, डैम पढ़ेंगे, सोलम पढ़ेंगे। इस तरह से आप इसको बेहतर पढ़ सकते हैं और आपका स्पेलिंग के साथ साथ साइलेंट लेटर भी स्ट्रांग होगा। आप पता है क्या करो, इसमें हमने 3-4 वीडियो लगातार बेसिक दिया है, तो इस बेसिक को लगातार सीखना है। और हमने कल भी बनाया, परसों बनाया है, 10 दिन पहले भी, तो इस तरह से बेसिक पूरा का पूरा आपका ना स्ट्रांग हो जाएगा। एक बात सलाह मानना मेरा, पता है क्या, अपने फ़ोन में ना क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर एक बार मन बनाया है क्लास करने का, तो 5 जनवरी को बैच दे रहा हूँ, उसमें कुछ अलग से सरप्राइज करूँगा नए साल का 2022 का, तो आप उसमें ज़रूर आप कोशिश करना कि आप आ जाना, ताकि आपके लिए इंग्लिश बेहतर हो जाए। और साथ साथ स्पोकन फाउंडेशन प्लस एक बात और, टोटल 12 से 15 किताब मिलता है, वह किताब आप घर पे जरूर रखना ताकि आप इंग्लिश सीख जाओ। स्पोकन बुक, फाउंडेशन बुक, जो किताब चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाकर के भी आप DSL की किताब मंगवा सकते हो घर बैठे। जहाँ भी हो, मेरा जितना सपोर्ट होगा धर्मेंद्र सर आपके साथ होंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपसे बात भी करूँगा मैं, लेकिन आप सीखने का प्रयास करें। इंग्लिश दूर नहीं है और दिल्ली भी दूर नहीं है, दिल्ली चलो, DSL चलो, धर्मेंद्र सर के पास चलो, इंग्लिश आपके पास आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, संभव है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।